चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की एक और फिक्र बढ़ाई है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने का प्रस्ताव पास करके। आशंका जताई जा रही है कि चीन इस बांध का इस्तेमाल वाटर वेपन की तरह कर सकता है। इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था। अब इस पर भारत सरकार ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने चीन के बांध बनाने की योजना पर जो बयान जारी किया है उसे सुनिए। लेकिन उस बयान के आधार पर हम समझ सकते हैं कि चीन किस तरीके की रणनीति अपना रहा है। चीन ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वो नदी की धारा नहीं मोड़ेगा और भारत के हितों का ख्याल रखेगा। लेकिन कोरोना फैलाने के बाद चीन ने शर्मिंदगी दिखाने की जगह जिस तरह के तेवर दिखाए हैं उससे शी जिनपिंग से भरोसा उठा है और वो आने वाले समय में कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से पूर्वी लद्दाख में 8 महीने से गतिरोध जारी है वो चीन के चरित्र को बखूबी दिखाता है। लेकिन अब बात करते हैं इंडियन नेवी की, जिसने पहली बार एलएसी पर मोर्चा संभाला है। कल भारतीय नौसेना अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है और इससे पहले आज नेवी चीफ करमवीर सिंह ने कहा कि हम चीन और कोरोना दोनों की ही चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं।